हेलो लिखो सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरे दो चैनल है एक तो इसरार ऑफिशियल करके दूसरा इसरार ए टू जेड करके है ना दोनों चैनल पर मैं अपडेट देता हूँ लाइव अपडेट देता हूँ कि आपको नोएडा दिल्ली एनसीआर में नौकरी कैसे मिलेगी प्रोसेस क्या होता है तो हाल फिलहाल अभी इस समय हम जॉब पॉइंट के ऑफिस में हैं और ये ऑफिस क्या है ये लड़कों की हायरिंग करवाता है हायरिंग कैसे करवाता है मैं आपको बताता हूँ जो भी कंपनियों को नीड रहती है रिक्वायरमेंट रहती है कैंडिडेट की वो इनको इन्फॉर्म करता है कि सर हमें बीस पचास सौ जितने बंदे चाहिए इनको बता देता है तो इनकी उनकी डील होती है ना कि तो भैया हमें इतने पर बंदे पर इतना चाहिए पैसा या तो जो भी हो आपस में डील हो जाती है अब बात यही ख़त्म नहीं होती अभी शुरू होती है ना अब देखिए इनकी और जो कंपनी के मालिक है दोनों की डील हो जाती है ठीक है क्योंकि कंपनी को कैंडिडेट चाहिए होता है कैंडिडेट वही चाहिए होता है जो उनके लायक हो जब तो वो सैलरी देंगे है ना अभी आपकी ही कंपनी है आप ऐसे बंदों को रखोगे जो आपको उससे अर्निंग करके दे सके वो आपके काबिल हो है ना तो ऐसे में जब कंपनी और सतीश भाई की डील हो जाती है तब ये क्या करते हैं बंदे हायर करते हैं ऑफिस बुलाते हैं और ऑफ़िस बुला के उसको ना ट्रेनिंग देते एक तरीके से उनको सिखाते हैं मतलब घंटे दो घंटे बताते हैं उनको एक तरीके से उनको फिल्टर करते हैं कि बंदे के अंदर काबिलियत है कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी बॉडी लैंग्वेज क्या है आपका कम्युनिकेशन uh, स्किल कितना बेस्ट है क्योंकि कम्युनिकेशन जिसका बेस्ट है समझो इस समय वो नोएडा का राजा है सैलरी सबसे अच्छी उसकी रहेगी एक्सपीरियंस देन दूसरा आपका है कम्युनिकेशन स्किल है ना तो जितने बंदे को ये हायरिंग करवाते हैं कंपनी में उतनी ज़्यादा इनकी पे आउट होगी अब ये तो चाहेंगे नहीं कि जो हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग ही ना हो ऐसा तो नहीं है ये तो चाहते भाई जितने बंदे हमारे पास आएंगे उतने बंदे की ज्वाइनिंग हम कराएंगे बट ये है कि काबिलियत उन बंदों के अंदर होनी चाहिए है ना तो हमारे साथ सतीश भाई हैं इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पर आज हमारी बातचीत होगी स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जी धन्यवाद सर अगर हम बात करें जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं क्या श्योरिटी उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है देखिए शोरटी यहाँ डिपेंड होती है उनकी हुनर के ऊपर बाकी जो जैसे सपोज करो आते हैं तो किसी को कुछ पूछना है किसी को आगे क्या करना है जो फर्स्ट टाइम जो फ्रेशर होते हैं जिनके अंदर घबराहट होती है रेडिक्शन होता है तो हमारे यहाँ पे बुलाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम उसको समझें उसकी बात वो क्या उसको किस चीज़ से घबराहट है जैसे कि टारगेट को लेकर होता है तो हम उसको समझाते हैं बताते हैं तो वो फिर समझता है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू का मतलब होता क्या है और इंटरव्यू में क्या कैसे कैसे करना होता है ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं उनको बताते हैं ताकि उनकी रोज़गार उनको मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिल सके और जैसा कि आपने कहा था हम जो कंपनी टाइप होता है तो वो भी हमको चार इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए बिल्कुल देखिए ये ये बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाला बंदा चाहिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए है ना अदरवाइज आज के टाइम में तो वर्क इंडिया अपना हो गया इतने फंडे हो गए सौ फंडे हो गए कोई भी कंपनी या कोई भी कैंडिडेट के थ्रू जाता क्यों नहीं जा पा रहा रीजन तो यही है उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती कि इंटरव्यू में होना क्या है आपको क्या बोलना है और उनको चाहिए क्या तो हम दोनों तरफ से पहले तो हम उससे जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे जो कंपनी के एच होते हैं उनसे बैठ के मीटिंग करके पूछते हैं एग्जैक्ट में आपको चाहिए क्या बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए बच्चे के अंदर कितनी सेंसिविटी होनी चाहिए कितनी इंग्लिश आनी चाहिए प्रॉपर इंग्लिश चाहिए या नॉर्मल चाहिए डोमेस्टिक या इंटरनेशनल है जैसे कि हमारे डोमेस्टिक है उसमें जो टेली सेल्स के उनमें नॉर्मल सैलरी होती है दस बारह से स्टार्ट होकर गए बीस पच्चीस तक जो इंटरनेशनल होते हैं इंटरनेशनल सैलरी बीस से स्टार्ट होती है तो हम ये कह सकते हैं एक बीच के एक माध्यम है पहले हम उसकी सुनते हैं फिर जो कैंडिडेट्स हम यहाँ पर बुलाते हैं हम उसकी सुनते हैं तो हम उसको गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलना उसको ये चीज़ चाहिए कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को लेकर कन्फ्यूज है थोड़ा समझाएं डोमेस्टिक क्या होता है और इंटरनेशनल प्रोसेस क्या होता है देखिए डोमेस्टिक हो जाता है ये कि जो आ, इंडिया में करते हैं मतलब कि नॉर्मल हिंदी में बात करनी रहेगी ऑल ओवर इंडिया हाँ जो पैन इंडिया का होता है तो उसको डोमेस्टिक कहते हैं जिसमें हम नॉर्मल हिंदी में बात कर सकते हैं इंटरनेशनल प्रोसेस हो जाता है जैसे कि आउट ऑफ इंडिया देशों जैसे यूएसए अमेरिका कैनेडा वटैर जो भी है तो वहाँ के लोग तो प्रॉपर हिंदी बोलेंगे नहीं तो इंटरनेशनल कहते थे उसको जिसमें इंग्लिश फ्लूट चाहिए जिसकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन बेस्ट होगा उसमें तो सैलरी ही बीस हज़ार से स्टार्ट है हाँ उसमें सैलरी बीस हज़ार में हाँ मुझे कुछ आ, लोगों को मैसेज आया था कि ड्रॉप आया था कि सर आपने तो कहा था आपके इतनी कंपनी स्टाइप है फिर हमारी जॉब क्यों लगा है? तो बड़े भाई मेरी बात सुनिए वो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काबिलियत भी तो होनी चाहिए अब ट्वेल्थ वाले बच्चे को कौन सी कंपनी बीस दे देगी पॉसिबल ही नहीं जो डोमेस्टिक वाले हैं डोमेस्टिक वाले में ट्वेल्थ चल जाता है वैसे वो चीज़ एक ही मांगते हैं कम्युनिकेशन स्किल और इंटरव्यू का मतलब यही होता है हम उस बच्चे को जो वो एग्जैक्ट क्या मांग रहा है और इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए तो वो एक माध्यम है हम इसलिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे आंसर देना है जो उनकी जो नर्वसमेंट होती है जो घबराहट होती है हर किसी के अंदर सब प्रेशर के अंदर प्रेशर के अंदर होती है लड़का हो या लड़की हो हर किसी के अंदर होती है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उस नर्वसमेंट को हंसा दें ताकि वो प्योरिटी से वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे और उसकी जॉब हंड्रेड परसेंट उद्देश्य ये होता है हमारा कि जो भी भाई बंधु या जो भी भाई बहन हमारे पास आते हैं हम अपना हंड्रेड परसेंट कोशिश ये करते हैं कि उनकी जॉब लग जाए देखिए हमारा तो बिजनेस ठीक है बिजने, लेकिन मैं दिल से मानता हूँ कि जैसे कि आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हर गरीब बच्चे को बेरोज़गार इंसान तो को रोज़गार मिले तो वही उद्देश्य मेरा भी है मैं भी बस यही चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु मेरा नाम या मेरी वीडियो देख के या जो बात सुन के मेरे पास आता है तो मैं उसकी प्रॉपर हेल्प कर सकूँ वो मेरे यहाँ से खाली ना जाए अच्छा एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहे हैं बेसिकली देखिए सबसे ज़्यादा क्या है फिफ्टी लोग ये इस वजह से जॉब नहीं कर रहे हैं आ नहीं रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी नए नए कैंडिडेट होते हैं नए नए विचार होते हैं तो दोनों को ना थोड़ा सा अंदर नर्वस होता है हिचक होती है कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं है ना तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करते हैं क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर मेन पावर आएगी है ना करने की क्षमता आपने दो जगह इंटरव्यू दिया फेल हो गए तीसरे दिया फेल हो गए चौथा खुद ब खुद ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट हो जाते हैं है ना सर बिल्कुल इंटरव्यू क्या होता है यार इंटरव्यू का मतलब कुछ नहीं होता सिर्फ आप बैठे हैं सपोज करो मैं हाँ मैं इंटरव्यू देने गया हूँ ठीक है गुड मॉर्निंग सर वाट जो भी सब कुछ हो गया मैं आई कमिन सर जो नॉर्मल मैंने बताया था एक बेसिक होते सबसे पहले मेन होता है ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग सबसे मेन होता है ड्रेसिंग सेंस हेयर स्टाइल और आपका आ, वे ऑफ टॉकिंग वे ऑफ चलने का बोलने का ये जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था इंटरव्यू में कि होता क्या है जैसे अंदर एच बैठा है गेट में आई कमिन नंबर आ गया हाँ भाई पंद्रह ये मैं आई कमिन सर कमेंट सर रिज्यूम दिया गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाट जो भी टाइम है वो करके जब तक वो बैठ निकले ना बोले तो बैठे ना जब वो बोलते हैं हाँ बैठिए है, तो थैंक यू सर उसके बाद रिज्यूम दीजिए तो वो रिज्यूम के आधार पूछेगा जो आप रिज्यूम में लिखा हुआ है आपने ट्वेल्थ की हुई है या किसने कहीं पर वर्क किया हुआ है जैसे किसी ने कह दिया कि मैंने इंश्योरेंस में वन ईयर वर्क किया था तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा कहीं इंश्योरेंस में आपने क्या किया था क्या करते थे क्या पिछ थी उसी के अकॉर्डिंग अब जब उसने कर रखा है तो उसको पता तो होगा लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं करते एक महीना है लिख देते हैं उसमें एक एक साल का या छः छः महीने का और वहीं पे वो गलती कर देते हैं क्योंकि उनको एक महीने में उतनी नॉलेज नहीं होगी जो एक साल में होती है तो एच उसी क्वेश्चन को पूछेगा कभी ठीक है आपने एक साल किया है ये बताइए इसमें इंश्योरेंस में क्या प्रोसेस था या लोन था लोन वालों में सबसे पहले क्या देखते हो आप अब उसको ये पता नहीं लोन में या क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले सिविल देखा जाता है सिविल देखा जाता है लोन में सिस्टम जो भी कुछ स्टार्टअप होता है सिविल के ऊपर होता है अगर सिविल बेस्ट है तो ही आगे फाइल जा सकती है अगर सिविल खराब है तो वो ये ही गलती करते थे इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते भाई जैसे हो जितना किया हुआ है वो सच बोलो क्योंकि वो सच्चाई ही आपको जॉब दिलवा देगी आप और स्मार्ट बनोगे तो हमेशा मार रखाओगे वो एक धोखा हो जाता है अच्छा अब बात करें फ्रेशर की फ्रेशर की क्या क्या मतलब इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं फ्रेशर फ्रेशर है सबसे बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि मेयर इंट्रोडक्शन अपना बारे में बताइए उसमें क्या होना होता है ये माई नेम इज़ दिस माई नेम सतीश चौधरी आई एम फ्रॉम दिल्ली माई फैमिली मेम्बर्स टू हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर्स माई फादर नेम इज़ दिस माई फादर इज अ फार्मर माई मदर इज़ अ गुड हाउस वाइफ ये नॉर्मल जो भी हो वो करते हैं में यही सबसे मेन और पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन आप अगर इसमें लटखड़ा गए तो रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि यार इंसान फ्रेशर कितना भी हो अपने बारे में तो इंट्रोड्यूस करेगा बिल्कुल हाँ, राइट है उतना तो उसकी नॉलेज होगी हाँ इसमें ये कह सकता हूँ अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो हिंदी में बोले उसमें अटके नहीं मेरा नाम ये है मैं यहाँ से आई हूँ मेरे पापा ये ये करते हैं ये वो करते हैं बिल्कुल बिगड़ अटके बिगड़ झटके ताकि उसको लगे कि हाँ इसको प्रॉपर अपने बारे में पता है जब आपको खुद अपने बारे में बहुत बताने में हिचकिचाहट होगी तो फिर आप अगले वाले से कैसे डील कर कैसे डील कर तो इंटरव्यू कोई हवा नहीं होता कुछ नहीं होता नॉर्मल सी बात है पूछा जाता है नाम है सबसे पहले तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है फिर कुछ मेन क्वेश्चन होते हैं ये कि आपको हम अपनी कंपनी में क्यों हायर करें इसका क्या कारण है तो उसका आंसर सीधा ये देना चाहिए सभी भाई बंदे सोच रहे हैं किसी भी कंपनी में जाए इंटरव्यू अगर आपसे एचार ये पूछता है कि ऐसी क्या बात है आप में क्या है जो हम आपको हायर करें हमारी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट करके दोगे तो उसका सीधा आंसर बोले सर मैं एक पंचुअल कैंडिडेट हूँ मैं मेहनत पर बिलीव करता हूँ आप मुझे हायर करोगे तो मैं अपनी हंड्रेड परसेंट आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा आप एक बार हमें करने का मौका दीजिए ये एक पंच पिंच ऐसी होती है जो मैंने अभी लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि जब इंटरव्यू इंटरव्यू हो जाए जब वो बोले ओके ठीक है हो जाइए जब लास्ट पॉइंट में इतना बोल दें कि सर आपको हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम पूरा अपना हंड्रेड परसेंट देंगे हमें पे जॉब करने के लिए आएँ हम नीडेड हैं हमको अपनी फैमिली को सामान लाए फैमिली ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है तो आप कृपा करके एक मौका दें अगर मौका देंगे तो आपको हम गलत साबित नहीं होने देंगे बिल्कुल सही बात है कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है तो इसमें सामने वाला समझता है हाँ जब बच्चा इतना बोल रहा है उसको वास्तव में नीडिड है जरूरत है तो उसका एक बार मौका देना चाहिए मतलब रिजेक्ट भी हो रहा है जब भी उसको सिलेक्ट हाँ, हाँ, होने के चांसेस तो बढ़ क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा सीधा ये पंच बोलिए ये सबसे बड़ा ब्रह्मशास्त्र है अच्छे अच्छे जब तो तुम इंटरव्यू कैसा भी चला चलागे लास्ट में अगर ये फुल कॉन्फिडेंस से बोल दोगे ऐसा नहीं है कि सर मैं ये करूँगा आप मौका दूंगा फुल कॉन्फिडेंस बोलो अरे अपने ऊपर विश्वास रखो ना तुम खुद पे भरोसा रखोगे तो सब कुछ है यार खुद खुद पे भरोसा रखोगे सब कुछ है लास्ट टाइम बोल दो कौन सा है चार आप खुद वो अपने ऊपर डील करके देख ले अगर हाँ ये चीज़ और घरपरा टोते अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो जाइए फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके बोलिए जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फैमिली मेबर के साथ खुलिए अपने फैमिली मेम्बर को एज ए इंटरव्यू देने की कोशिश करिए ताकि आपके अंदर की हेजमेट वो ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल सही कहा और हाँ अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता था कि तो हमें जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंस्टीट्यूट का ठीक है तो वो किसी कारण स्टार्ट नहीं कर पाए बट अब हम उसको इस जो एक तारीख आ रही है यहाँ से हम अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है जिस किसी भाई बहन को अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए तो एक तारीख से पहले अपने नाम और नंबर हमको मेंशन करा दे और एक तारीख से हम इंस्टीट्यूट शुरू स्टार्ट कर रहे हैं वही ना ट्रेनिंग वाली ट्रेनिंग वाला जिसमें हम इंग्लिश में कोर्स कराएंगे और टेली कॉलिंग कोर्स कराएंगे जॉब भी लगवाएंगे बीस हाँ जिसमें हम जॉब भी लगवाएंगे ताकि वो उन मोस्टली उन फ्रेशर बच्चों के लिए है जो घबराते हैं कुछ है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज हो चुकी है आज के टाइम में जिसकी हर जगह डिमांड है जो बंदा इंग्लिश बोलता है उसके अंदर हो हो जाता है। हो जाता है. है. जैसे पे किसी के लिए गए हैं ठीक है आपको भी है मुझको लेकिन आपकी इंग्लिश फ्रंट है वेस्ट है मेरी हिंदी है तो आपको सैलरी बीस हजार होगी मेरी सैलरी पंद्रह हज़ार होगी बोलने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो ही जाता है।, है और हमारा जो कोर्स होगा वो थ्री मंथ का होगा थ्री मंथ में जो टेली कॉलिंग का कोर्स मैं बताता हूँ वो पूछते क्या होगा टेली कॉलिंग कोर्स क्या होता है टेली कॉलिंग कोर्स ये होता है हम आपको प्रॉपर नंबर देंगे जो भी पर डे आपको हंड्रेड नंबर या वट जिससे आप उनके पास कॉल करोगे जिनको जॉब की नीड है जो कि आपको सीधे सर या मैम कह के बात करेंगे तो सर या मैम सुनना एक ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो नीडेड बच्चे होंगे जिनको जॉब सर्च कर रहे हैं उससे आप एक दिन घबराओगे दो दिन घबराओगे तीन दिन घबराओगे चार दिन घबराओगे पाँच दिन घबराओगे दस दिन में तो निखरोगे जिस दिन आप निखर गए उसी के अगले दिन आपका इंटरव्यू करवा के आपकी ज्वाइनिंग पक्की बात है कितने दिल्ली सियार में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हमारे अंदर तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे वीडियो और जो हमने बातचीत किया ये आपके बहुत काम की होगी